अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फरीहास किचन। मेरा नाम फरीहा है और आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद फरीहा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कोई कुकिंग रेसिपी नहीं शेयर कर रही, बल्कि मैं आज आप लोगों के साथ मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही अच्छी और बहुत आप लोगों के काम आएगी। मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि चावलों को आप लोग किस तरीके से पीस के आप उसको स्टोर कर सकते हैं और उससे आप लोग मीठा बना सकते हैं या फिर किसी किस्म का भी डिज़र्ट बना सकते हैं, जैसे फिरनी, खीर या फिर गजरेला, किसी किस्म का भी आप मीठा बना सकते हैं। या तो फिर आप जैसे होता है बेबी फूड, कुछ लोग चावलों से बनाते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए बनाती थी, तो मैं चावलों को इस तरह जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से करके मैं इनको स्टोर कर लेती थी। आप चाहें तो उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, आप उसको अगर फ्रिज में नहीं भी रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से आप लोग कई महीनों तक इसको स्टोर कर सकते हैं और वो आप जब चाहें उसको आप उबाल लें तो वो 2 मिनट में या हद 5 मिनट में वो उबल जाते हैं और पक जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एक प्याली चावल ली है मैंने। आप चाहें तो किसी तरह के भी चावल ले सकते हैं, चाहे बासमती हो, टोटा हो, जो भी चावल हो, क्योंकि इन्होंने तो ग्राइंड ही होना है और ग्राइंड होके इन्होंने पकना ही है तो उसका इतना पता नहीं लगता, तो आप चाहें तो जौन से भी आपको अच्छे लगे चावल आप वो ले लें। तो मैंने एक प्याली चावल ली है और इसको मैं एक बॉल में डाल के ना अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और इसको मैं तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए मैं भिगो के पानी में रख दूँगी। ओके, तो व्यूवर्स, मैंने इनको चावलों को अच्छी तरीके से मैंने इनको वॉश करके मैंने इनको भिगो दिया है। तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए मैं इसे भिगोंगी, तो ये थोड़े से मतलब के नरम हो जाएंगे, तो फिर मैं इनको ड्राई करने का तरीका आपको बताऊंगी। आधे घंटे के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से, मेरे पास ये स्ट्रेनर पड़ा था, मैंने इसमें इसको निकाल के छान लिया है और तकरीबन 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए इसमें मैं इसको रखूंगी ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए और फिर मैं इसको धूप में रखूंगी। तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 घंटे की धूप देनी है ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। चावलों का पानी मैंने अच्छी तरीके से निकाल के छान के इसको मैंने स्टील की ट्रे में अच्छी तरीके से बिछा लिया है और इसको अच्छी तरीके से बिछा के अब मैंने इसको तकरीबन कुछ घंटों के लिए इसको मैं धूप में रख दूंगी और इसको धूप में ही सुखाएंगे ताकि इसके अंदर ज़रा सा भी नमी या गीलापन इसमें ना रहे। तो जब आप इसको अच्छी तरीके से सुखा लेंगे तो इसको फिर हम ग्राइंड कर लेंगे। व्यूवर्स, मैंने चावलों को धूप में रख दिया हुआ है, ये मैंने इस तरीके से स्ट्रे को मैंने इसके ऊपर मलबल के कपड़े से इसको कवर करके रखा है, क्योंकि आपको पता है मैंने बाहर रखा होता है तो फिर वो मक्खियाँ और ये सब बैठने का डर होता है, तो आप कोशिश करें कि इसको ढक के ही रखें। तो आप इसको तकरीबन 2-3 घंटे के लिए सनलाइट में रखें और इसको इसमें ही ड्राई करें, तो इसमें ज़रा सी भी नमी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी ये गीले नहीं होंगे, ये बहुत अच्छे से खुश्क हो जाएंगे, फिर आप आसानी से इसको ग्राइंड कर सकते हैं। 3 घंटे के बाद चावल जो हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुके थे और बिल्कुल उसमें कोई नमी नहीं थी या कोई गीलापन नहीं था, तो उनको मैंने बारी बारी करके, क्योंकि आप इकट्ठे उसको ग्राइंड नहीं कर सकते, तो मैंने बारी बारी करके उसको ग्राइंड कर लिया था और उसकी कुछ इस तरह की शक्ल आई थी। तो आप ये देखें, ये बिल्कुल ग्राइंड करके, तकरीबन मैंने बहुत ज़्यादा इसको पाउडर नहीं करना, मतलब आपने इसको इतना करना कि ये काफ़ी बारीक पिस जाए, तो इसकी इस तरह की शक्ल होगी और आपने इसको फिर आप किसी भी जार में या किसी भी बर्तन में लेके इसको, आप एयर टाइट बर्तन में लेके आप इसको, अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हैं, पाउडर फॉर्म है, तो आपके काफ़ी महीने ये निकल जाएंगे और आप जब भी कोई डिज़र्ट बनाना चाहें या बेबी फूड या कुछ भी बनाना चाहें तो आप इसको थोड़े से पानी में उबाल लें और ये 5 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये टिप या बहुत पसंद आई होगी और कोशिश करूँगी कि अगली दफ़ा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी कोई टिप लेके आऊँ और आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।